हे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1 धर्मयोद्धा देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं धर्मयोद्धा इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। इस चैप्टर का नाम धर्मयोद्धा इसलिए रखा गया है क्योंकि इस चैप्टर में अपने अधिकार को लेकर अपनी आवाज़ उठाने की बात कही गई है। जिस तरह से अर्जुन को महाभारत में कृष्ण भगवान अपनों के खिलाफ ही लड़ाई करने के लिए उकसा रहे थे, उन्हें धर्म अपने अधिकार के लिए उन्हें उकसा रहे थे, उसी तरह से इस चैप्टर में हम धर्म के लिए लड़ने वाली आवाज़ उठाने वाली बातों को पढ़ेंगे। यह चैप्टर अर्जुन देवचरण के द्वारा लिखा गया है, उनका यह फोटो है। सबसे पहले हम जान लेते हैं राइटर के बारे में। अर्जुन देवचरण टीचर बाय प्रोफेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अर्जुन देवचरण जो थे वो प्रोफेशन से एक टीचर थे, वे उनका काम था पढ़ाना। अब आगे, इट्स बेसिकली अ पोएट थे, मतलब कि अर्जुन देवचरण जो थे वे एक टीचर भी थे और साथ ही साथ एक कवि भी थे। हिज प्लेस अपीयर्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री, मतलब वे जितने भी नाटक करते हैं उनका जो नाटक है वो एक कविता का रूप ले लेता है। यहाँ बता रहा है द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पीटी लाइन्स, कवि अपने शोह में शॉर्ट छोटी छोटी क्लियर साफ छोटी छोटी मीनिंग देने वाली लाइन से मतलब शब्दों से वाक्यों से, एंड द सॉन्ग ऑफ द चौरस इन हिज प्ले, और ग्रुप बनाकर गानों के द्वारा अपनी कविताओं को व्यक्त करते हैं, अपनी कहानियों को व्यक्त करते हैं। जो कहानी वो कहते हैं वो कविता का रूप ले लेता है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे, वो एक टीचर भी थे और साथ में नाटक भी करते थे। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेस पब्लिश्ड इन द लेट 70s, उनका पहला बुक 70s के लास्ट में जाकर पब्लिश हुआ था, वाज रिसीव्ड रैदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेचर सर्कल्स, और वो जो बुक था राजस्थान के लिटरेचर सर्कल्स में लेट रिसीव हुआ था। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्ट्रे ऑन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशूज लाइक विडो रिमैरिज ड्रॉवरी एट्सेट्रा। यहाँ क्या बता रहा है कि उनका जो बुक था वो राजस्थानी लाइब्रेरी में लेट पहुँचा था, लेकिन उस समय तक ड्रामा जो था राजस्थान का वो समाज के कुछ रूल्स पे जो औरतों के खिलाफ हैं उन पे नाटक बनाए जाते थे। उस समय तक होता क्या था राजस्थान में, समाज में जो भी रूल्स बने हुए हैं औरत के खिलाफ, जैसे कि और विधवा की शादी नहीं हो सकती है, ड्रॉवरी, अगर किसी की शादी हो रही है तो उसे दहेज लिया जाएगा, इस तरह के रूल्स के खिलाफ नाटक किया जाता था। और द फोक प्लेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल, और वहाँ पे होता क्या था कि वहाँ पे जो नाटक किया जाता था वो बेस्ड था, आधारित होता था हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल, मतलब रिलेटेड टू मिथ, कुछ मिथ से रिलेटेड बातों को, कुछ हिस्ट्री के बातों को, मतलब कि इतिहास के आधार पे वहाँ पे क्या होता था, प्लेज नाटक होता था, ठीक। और उस नाटक में मेन रूप से थीम जो था वो इतिहास की बातों को उजागर करना था। अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर, मतलब कि आज के समय में जो भी नाटके होते हैं फिल्म में मूवी में दर्शाए जाते हैं उससे बहुत अलग नाटक पहले किए जाते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। पहले देखिए किस तरह की नाटके होती थी, बीटिंग द वाइफ, पत्नियों को मारते थे, अभी भी मारते हैं। और नाटक यहाँ देखिए, कभी इस तरह की नाटक किया करते थे, दहेज यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर विधवा की शादी नहीं होती थी, इस तरह की बातें। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic but also of modern theater. यहाँ पे बता रहा है कैसे भी अर्जुन देव की जो नाटकें होती थी सिर्फ ड्रामेटिक लिटरेचर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होती थी, बल्कि आज की थिएटर के लिए भी वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। अर्जुन देव's plays include
दो नाटक आजरा गुआरी एंड संकारियो, बोल महारी मछली की टोक पानी, धर्म युद्धा एंड मुगती घाटा, ये सभी अर्जुन देव के नाटक हैं जो वे लिखे हैं। मतलब कि ये सारे नाटक अर्जुन देव किए हैं या फिर ये सारे नाटक वे खुद लिखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की नाटक किया जाता था। धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो पद्मा की कहानी है। धर्म युद्धा जो कहानी है वो पद्मा की कहानी है। अ यंग गर्ल, पद्मा जो है वो एक यंग लड़की है। एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक रामायण महाभारता एटसेट्रा, और उसकी जो शिक्षा हुई है, उसको जो शिक्षा मिली है वो कहाँ से मिली है, तो रामायण से मिली है, रामायण से मिली है, महाभारत से मिली है। शी फील्स एग्रीव्ड एंड agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। अब क्या यहाँ पे बता रहा है कि she feels aggrieved, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, agitated वो बहुत ज़्यादा disturb होती है by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women। औरतों के खिलाफ जितने भी सारे rules बनाए गए हैं हमारे समाज में, उसको देखकर पद्मा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा disturb होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। She repeatedly questions her parents and teacher about the rights and the identity of a woman and ask them whether her identity is the subject to her marriage। और यहाँ क्या बता रहा है कि she repeatedly questions her parents, वो अपने माता पिता से और टीचर से बार बार प्रश्न पूछती है अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। वह अपने माता पिता से, अपने टीचर से प्रश्न पूछती है, हमेशा पूछती रहती है कि एक औरत की या महिला की अधिकार क्या है हमारे समाज में और उसकी पहचान क्या होती है, क्या उसकी जो पहचान है उसके शादी से ही होता है, उसके पति से ही उसकी पहचान मानी जाती है। इस तरह की प्रश्न पद्मा पूछती है। फिर आगे हम चैप्टर में आ रहे हैं, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है धर्म युद्धा। धर्म युद्धा के बारे में, टाइटल के बारे में हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, हम आगे पढ़ते हैं। पद्मा यहाँ पे बोल रही है, पद्मा, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, मतलब कि एक औरत की पहचान, एक महिला की पहचान क्या होती है, अपनी माँ से पूछ रही है। तब उसकी माँ क्या रिप्लाई करती है, माँ बोल रही है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम यह क्यों पूछ रही हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम यह क्यों पूछ रही हो, उसकी माँ ऐसा बोलती है। अब पद्मा यहाँ पर बता रही है, बोल रही है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ। तब उसकी माँ बोलती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, आर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। पद्मा की माँ बोलती है तुम मेरी बेटी हो और अपने पिताजी की एकलौती प्यारी बेटी। तब पद्मा यहाँ बोल रही है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, इट टेक्स अ हर्ट टू बेस्ट लव। यहाँ पद्मा बोल रही है कि पिताजी तो मेरे से ज़्यादा रुपया पे ध्यान देते हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं उनकी एकलौती बेटी हूँ, ये कैसे हो सकता है, उनको तो ज़्यादा प्यारा रुपया लगता है ना। अब उसकी माँ बोल रही है यहाँ मदर फॉर होम डज ही सेव, मतलब कि वे जितना अगर रुपया पर ही ध्यान देते हैं तो वो किसके लिए रुपया पर ध्यान देते हैं, वे तुम्हारे लिए रुपया पर ध्यान देते हैं, तुम्हारे लिए रुपया बचा रहे हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, मतलब कि ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वे सारा जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं क्योंकि तुम उनकी एकलौती बेटी हो। यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हर्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है। उसकी माँ बोल रही है पद्मा को तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दिल नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई केयर नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। पद्मा यहाँ पर बता रही है बट आई डिडंट से इट टू ऑफ यू, मैंने आपको तो ऐसा नहीं बोला। पद्मा बोलती है मैं तो पिताजी को बोल रही हूँ, आपको तो नहीं बोल रही हूँ। तब उसकी माँ फिर से बोलती है, मदर बोल रही है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं उनसे किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड से, मैं तुम्हारे पिताजी से किसी भी तरह से अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, मेरी जो पहचान है वो उनसे जुड़ी हुई है और यहाँ पर बता रही है उसकी माँ आई चेरिश द बॉन्ड और मुझे इस बंधन का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ठीक, एंटर्स पद्मास फादर। अब क्या होता है, पद्मा के पिताजी रूम में एंटर करते हैं। फादर, पिताजी बोल रहे हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट बॉन्ड। पद्मास मदर पद्मा की माँ को बोलते हैं, उनके हस्बैंड कि पद्मा की माँ क्या बातें हो रही है, किस चीज़ के बंधन के बारे में बात हो रही है। तब उसकी माँ यहाँ पर बता रही है हेयर इज़ योर फादर, यहाँ यह रहे तुम्हारे पिताजी,
आस्क हिम, उनसे पूछ लो, वाट एवर यू वांट टू नो, तुम्हें जो कुछ भी जानना है तुम उनसे पूछ लो। अब यहाँ उसकी माँ बता रही है फिर से, वाट इज़ इट माई चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे फादर होगा, यहाँ पे उसके पिताजी बोल रहे थे, वाट इज़ इट माई चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची, किस बात की बहस हो रही है, ऐसे करके उसके पिताजी पूछते हैं। शी वॉन्ट्स टू नो वाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ वूमेन, उसकी माँ बोल रही है अपने हस्बैंड को कि आपकी बेटी जानना चाहती है कि एक महिला की पहचान क्या है, एक महिला किस चीज़ से पहचानी जाती है, ये आपकी बेटी को जानना है। तब उसके पिताजी आंसर करते हैं, यू विल नो इट डियर, प्यारी तुम इसे जान जाओगी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि औरत की, महिला की पहचान क्या होती है। ये बात कर रही है, ऐसा हम फिगर के द्वारा आपको कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे पद्मा बोलती है, पद्मा डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, क्या शादी ही एक औरत को पहचान दिलाती है, शादी के बिना औरत की पहचान नहीं है, ऐसा पद्मा प्रश्न पूछती है। तब उसकी माँ फिर से बोलती है, व्हाट इज अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, एक पति के बिना, एक हस्बैंड के बिना एक महिला की क्या पहचान है, क्या है वो, कुछ नहीं है, ऐसा उसकी माँ बोलती है। पद्मा फिर से प्रश्न पूछती है, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर क्या होगा कोई शादी ही नहीं करे महिला, अगर कोई महिला शादी ना करे तो क्या होगा, पद्मा इस तरह की क्वेश्चंस पूछती है। तब उसकी माँ बोलती है, व्हाई डू यू आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम इस तरह की यूजलेस क्वेश्चंस क्यों पूछती हो, बेकार की क्वेश्चन क्यों पूछती हो हमेशा। तब पद्मा यहाँ पर बता रही है, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, पद्मा बोलती है क्या होता है उसका, जिसका हस्बैंड मतलब उसका जो पति है वो मर जाता है, उस औरत का क्या होता होगा, ऐसा प्रश्न पद्मा पूछती है। तब उसकी माँ रिप्लाई करती है, लाइफ इज हेल फॉर हर, तब उसकी जो जीवन है वो नर्क हो जाती है, जिस महिला की पति मर जाती है उसका जो जीवन है वो नर्क हो जाता है। तब पद्मा बोलती है, डैट्स इनजस्टिस, तब तो यह नाइंसाफी है, पद्मा फिर से बोलती है अपने माँ से कि यह तो नाइंसाफी है। तब उसकी माँ यह बोल रही है, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें यहाँ पर नाइंसाफी और इंसाफ की बातें नहीं करनी है, ऐसा पद्मा को बोल के चुप करने की कोशिश करती है। नाउ पद्मा बोलती है, व्हाई, मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए, उसकी माँ बोलती है, ओवर हेयर, यहाँ पर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पर बोलती है पद्मा की माँ की महिला को प्रश्न पूछने की अधिकार ही नहीं होती है, ऐसा पद्मा को बोलती है, समझाने की कोशिश करती है। पद्मा फिर से क्वेश्चन पूछ देती है, व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उसके पास अगर प्रश्न पूछने की अधिकार नहीं है तो क्या चीज़ का अधिकार है। फादर, तब पिताजी बोलते हैं, राइट्स आर इक्वल डियर, तब उसके पिताजी बोलते हैं कि रूल्स जो हैं, नियम्स जो हैं वो सभी के लिए समान है प्यारी। तब पद्मा फिर से पूछती है, व्हाई इज अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुड नॉट लिव इन अ सच ए प्लेस, एक घर को ही सौदेबाजी का घर स्थान क्यों समझा जाता है, एक घर में ही सौदेबाजी क्यों किया जाता है, कि महिला को अधिकार नहीं है पुरुष को अधिकार है, ऐसा क्यों किया जाता है। पद्मा बोलती है, किसी को ऐसे घर में, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो फादर यहाँ पर पिताजी बोल रहे हैं, यू विल गेट सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, उनके पिताजी बोलते हैं, यू विल गेट सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, मतलब कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगी तुम्हें इस तरह की प्रश्न का कोई आंसर यही मिलेगा, सब कोई तुम्हें यही समझाएंगे कि अधिक औरतों को अधिकार नहीं है और औरतों को चुप रहना चाहिए औरतों को। तब पद्मा फिर से बोलती हैं, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, पद्मा बोलती है, लेकिन आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, एक औरत की जो पहचान है, इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, वो ह्यूमिनिटी की पहचान होती है, मनुष्यता की जो पहचान है वो औरत ही है, औरत के बिना मनुष्य की कोई पहचान नहीं है। पद्मा यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही है कि औरत के बिना मनुष्य क्या है, कुछ नहीं है, अगर औरत नहीं होगी तो यह संसार ही नहीं चलेगा। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, और बोलती है, लेकिन एक सोसाइटी, एक जो समाज है, उस समाज औरत को अलग कर देती है, औरत को कुछ भी पहचान नहीं देती है। तो उनके पिताजी बोलते हैं, फादर्स That's why they say that marriage lends this identity. तब उनके पिताजी बोलते हैं कि that's why, इसीलिए हमारे समाज के लोग कहते हैं कि शादी से ही औरत को पहचान मिलती है, शादी ही औरत को पहचान दिलाती है। तब पद्मा फिर से पूछती है, So if a girl does not get married, she has no identity. तब पद्मा पूछती है अपने पिताजी से कि अगर कोई लड़की शादी नहीं करती है तो उसकी कोई पहचान नहीं है।
Why is it that an unmarried man is venerated and called a saint, while an unmarried woman is called immoral and wanton? और फिर पूछती है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई पुरुष शादी नहीं करता है तो उसे संत समझा जाता है, उसे वेनरेटेड, उसे आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसे साधु बना दिया जाता है। वाइल, लेकिन एन अनमैरिड वुमेन इज़ कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, लेकिन एक महिला जो शादी नहीं करती है उसे गलत समझा जाता है, इमोरल समझा जाता है, अनैतिक समझा जाता है और उसे इनडिसेंट समझा जाता है, मतलब कि उसे चरित्रहीन नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।